गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 25 करने वाले हैं झारखंड सामान्य ज्ञान का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है गिड़ीवा। एक मिनट, गिड़ीवा से क्या तात्पर्य है? तो देखिए यहाँ पे गिड़ीवा लिखा है, लेकिन गिड़िया ज़्यादा मिलेगा आपको, गिड़ी आल मिलेगा। तो ये फूल विसर्जन स्थल होता है गिड़िया, जिसको कहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर कितनी है? तो झारखंड की साक्षरता दर है 66.41%। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले घटते क्रम में, तो सबसे अधिक एक भी याद है तो आंसर आप टिक कर लीजिएगा। तो पहला देखिए, सबसे अधिक लिंगानुपात है पश्चिमी सिंहभूम जिला में, तो पहला ही ऑप्शन में आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी और गुमला। झारखंड के किस युद्ध की तुलना हल्दी घाटी के युद्ध से की जाती है? तो कोरांबे का युद्ध जो है हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। संगठन और स्थापना वर्ष की बात करते हैं, तो आदिवासी महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना हुई थी 1915 में। किसान सभा 1930 में और क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 12 में। यानी ए का आंसर हो जाएगा 3-3-2-4-1। 3-2-4-1 होना चाहिए इसका आंसर, 3-2-4-1। ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल एक ही समय पर दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त हो सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7वां संवैधानिक संशोधन। किस वर्ष JSCS इंटरनेशनल स्टेडियम में पहला इंटरनेशनल मैच हुआ था? 2013 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड की द्वितीय सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो पहला सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा? पारसनाथ की पहाड़ी। और दूसरा सर्वोच्च शिखर, देखिए इसको स्पेशली मेंशन कर रही हूँ मैं कि इसे जो है अलग से नोट कर लीजिए, क्योंकि हर जगह आपको इसका आंसर नहीं मिलने वाला है। सरुवत पहाड़ी इसका आंसर है। किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है? तो सुमागधी जो है सकरी नदी को कहा गया है। पत्थरों और जयंती किसकी सहायक नदियाँ हैं? अजय नदी की सहायक नदियाँ हैं पत्थरों और जयंती। मांझी की अनुपस्थिति में उसका कार्य कौन संपादित करता है? तो मांझी अगर अनुपस्थित हो किसी वजह से, तो उसका काम करता है प्रमाणिक या प्राणिक, भी कहीं कहीं मिलेगा आपको प्राणिक या प्रमाणिक। 13वीं सदी में खुद को झारखंड का शासक घोषित करने वाला राजा जय सिंह किस राज्य से संबंधित था? तो राजा जय सिंह उड़ीसा से संबंधित था। 13वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस मगध सम्राट ने इटखोरी में बौद्ध धर्म का निर्माण करवाया था? इटखोरी कहाँ पे? चतरा में। और यहाँ पे इटखोरी में बौद्ध स्थल का निर्माण किया था महेंद्र पाल ने, पाल शासक महेंद्र पाल। झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? लोहरदगा। किस शासक को झारखंडी सुल्तान कहा जाता है? तो झारखंडी सुल्तान कहते हैं आदिल शाह द्वितीय को। प्रथम मत टिक कर दीजिएगा, द्वितीय होगा। झारखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कोडरमा की दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी है? तो 16 का आंसर हो जाएगा 43.42%। नेक्स्ट है, किस नीति के आलोक में मोमेंटम झारखंड नामक गतिविधि का आयोजन किया गया था? तो मोमेंटम झारखंड जो है झारखंड औद्योगिक नीति, सॉरी ये नहीं 12, झारखंड की औद्योगिक नीति 2012। 1857 के प्रमुख विद्रोहियों जय मंगल पांडे और नादिर अली खान को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो ये जो 1857 से जुड़े जितने भी व्यक्ति हैं उनका याद रखिए कहाँ पर फांसी दी गई, कौन सा पेड़ था, कौन सा तालाब था, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है। तो इसका आंसर देखिए, जय मंगल पांडे और नादिर अली खान जो है चतरा के युद्ध जो 2 अक्टूबर को हुआ था, ये डेट भी याद रखिएगा। फांसी हारी तालाब चतरा के निकट इन्हें फांसी दी गई थी। पेड़ पूछा जाए तो आम का पेड़। जय प्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार निम्नलिखित में से किस जिला में है? तो ये हजारीबाग जिला में। झारखंड खेल नीति 2022 के तहत झारखंड सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में कितना प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण देगी? खिलाड़ियों को जो है 2% का क्षैतिज आरक्षण देगी, ठीक है 20 हो गया। आगे देखते हैं, जोजो हाथू जो पश्चिम सिंहभूम में डेस के लिए प्रसिद्ध है, जोजो हाथू जो है ये क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है, क्रोमाइट। शिकारी संग्रहकर्ता जनजाति नहीं है, तो कौन सी? एक मिनट, क्या ये? अच्छा ठीक है, तो 22 नंबर देखते हैं, शिकारी संग्रहकर्ता जनजाति कौन सी नहीं है? तो बिरहोर तो बिल्कुल है, पता ही होगा आपको, कोरवा जनजाति भी है, खड़िया है, पहाड़िया नहीं है, पहाड़िया जो झूम खेती करती है।
चुट्टूपालू घाटी किस जिले में अवस्थित है? चुट्टूपालू घाटी रामगढ़ जिले में अवस्थित है। अरुणा मिश्रा का संबंध है, मुक्केबाज है ये। झारखंड सरकार द्वारा विधवाओं के लिए भीमराव अंबेडकर आवास योजना कब शुरू की गई थी? ये अगर आपको नहीं भी याद है, अगर इनका बर्थडे याद है तो वही टिक कर दीजिए, 14 अप्रैल 2016, 14 अप्रैल 2016, ठीक है। उराव जनजाति का प्रमुख देवता कौन सा है? उराव जनजाति के प्रमुख देवता है धर्मेश। संथालों के प्रमुख देवता है सिंह बोंगा। आदि धर्म के लेखक कौन है? आदि धर्म के लेखक है राम दयाल मुंडा। छोटू जोमेकू एक प्रकार का है, छोटू जोमेकू जो है ये एक प्रकार का भोजन है, जोमेकू का एक प्रकार का क्या है तो भोजन हो जाएगा इसका आंसर। संथाल जनजाति कितने हड़ों में विभक्त है? तो ये 4 हड़ों में विभक्त है। अंजन धाम कहाँ पे है? गुमला जिले में है। चैनपुर का किला कहाँ है? तो चैनपुर का किला है पलामू में। छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के किस भाग में अवस्थित है? पश्चिम में है। किस मंदिर को हरिहर धाम नाम से जाना जाता है? हरिहर धाम मंदिर के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा झारखंड धाम मंदिर। कितने लोग गए हैं हरिहर धाम? मैं तो बहुत पहले गई थी जब मैं छोटी थी तब। अडंडी क्या है? अडंडी क्या है? तो अडंडी एक प्रकार का विवाह संबंधी लोकगीत है। झारखंड की महिलाएं अपने बच्चों के कल्याण के लिए कौन सा उपवास या व्रत करती है? तो ये तो काफ़ी ज़्यादा ही जीतिया पर्व। अडंडी और ओपोर तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? तो अंडी और ओपोर तिपी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, वो जनजाति से संबंधित है, इसको रट लीजिए। निम्नलिखित में से कौन खैरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है? तो खैरवार विद्रोह या खैरवार विद्रोह, इसका हो जाएगा भागीरथ मांझी। बहुत बार याद नहीं रहता है लोगों को, तो इस तरीके से आप टिक कर सकते हैं। देखिए वार पे जब भी जाएंगे आप, वार मतलब क्या, युद्ध, तो आप रथ में बैठ के जाएंगे, ठीक है, भागीरथ मांझी। 4 फरवरी 2023 को झामुमो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो झामुमो की स्थापना कब हुई थी? 1973 में हुई थी, तो इस हिसाब से 50 साल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, नई सौर ऊर्जा नीति के तहत अगले 5 वर्षों में सौर ऊर्जा से झारखंड बिजली कितनी बिजली का उत्पादन करेगा? तो नई सौर ऊर्जा नीति के तहत अगले 5 वर्षों में कितना लक्ष्य है? 4000 मेगावाट। नेक्स्ट, आज का आखिरी प्रश्न है, झारखंड राज्य में मनरेगा मजदूरों को 100 दिन का काम देने के मामले में कौन सा जिला पहले स्थान पर आता है? तो ये जिला हो जाएगा रामगढ़, ठीक है। तो गाइज, वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।